बेलघाट पुलिस द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अजय पुत्र राम ललित मौर्य निवासी रसूलपुर बाबू थाना बेलघाट, रियाज पुत्र कन्हैया निवासी राउतपुर थाना बेलघाट, मोहम्मद अली पुत्र स्वर्गीय बंडल निवासी सिपाह थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर, दयानाथ पुत्र स्वर्गीय जियालाल निवासी देवरिया बाजार थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर तथा गंगाराम यादव पुत्र स्वर्गीय रामलौट निवासी हरवंश थाना हरवंश जनपद अंबेडकर नगर के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने एक पिकअप में 5 गाय, 1 बछिया, 1 बछड़ा तथा 1,280 रुपये नकद बरामद किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, बेलघाट में हमारा जो अभियान है पशु तस्करों के खिलाफ लगातार चलता रहता है। तकरीबन 5 पशु तस्कर पकड़े गए हैं और एक गाड़ी भी बरामद हुई है और काफ़ी संख्या में 7-8 की संख्या में जो है हमारे पशु भी पकड़े गए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज करके सभी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही और अगर इसमें से जो इस तरह के लोग हैं जो हैबिचुअल क्रिमिनल है उनके ऊपर गैंगस्टर गुंडा और बल्कि अगर इस तरह की बात होगी तो इसमें हम रासुका तक लगाएंगे। इसको ये देवरिया की तरफ से ला रहे थे और इसको आगे की तरफ कहीं बिहार की तरफ।